इसकी प्रीवियस क्लास पे मैंने आपको पढ़ाया था डेसिमल टू बाइनरी कैसे चेंज करते हैं, मतलब बेस जो 10 था उसको कैसे बेस 2 में चेंज करते थे। तो क्या बताया था कि हम 2 से डिवाइड करते हुए चलते थे और जो रिमाइंडर आता था उसी के फॉर्म में हम लिख देते थे। जैसे ये था एक क्वेश्चन, मैं आपको बता देती हूँ, वैसे ही 43 था, तो 43 को क्या किया था, 2 से डिवाइड करते हुए चले थे, रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग लिखते थे और फिर जो फाइनल आंसर होता था वो नीचे से ऊपर के लिए करते थे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अब जो बाइनरी, उस पहले क्या पढ़ा था, डेसिमल टू बाइनरी, अब कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी टू डेसिमल के लिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे हम, जो बाइनरी 01 फॉर्म है और डेसिमल लेके आएंगे और बेस 10 वाला नंबर लेके आएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कराते हैं 2 से। ठीक है, पीछे से मूव करते हैं, कहाँ से मूव करेंगे हम, राइट साइड से मूव करते हैं। तो कैसे करेंगे, पीछे से 1, हर एक डिजिट का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, इस सारे डिजिट का क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कराया और फिर फाइनली पीछे से ही राइट साइड से हम क्या करेंगे, इन पे पावर चढ़ाते रहेंगे, कितने 2 की पावर। तो स्टार्ट कहाँ से होगी, पावर 0 से, फिर 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर 6 और ये 7। फिर क्या किया, 2 किसी की भी पावर 0 क्या होती, 1 होती, तो 1 2 की पावर 0 क्या होगी, 1, फिर 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 हो गया। किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। फिर ये क्या हो गया, 2 की पावर स्क्वायर मीन्स 4, 4 इंटू 1 4। फिर किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 5 कितना होता है 32। किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 की पावर 7 कितना होता है 2 की पावर 32, 64, ये कितना हो गया 128। ठीक है, 128। अब इसको फाइनली ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 5 6 11 21, 21 और 32 128, 21 और 32 कितना हुआ, 9 10 11 कितना हो गया, 9 10 11, 11 2 2 2 2 4 5 6 7 8 181। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 181 बेस 10। तो ये जो बाइनरी नंबर है वो डेसिमल में कितना नंबर कहलाएगा, 181 बेस 10 कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सेकेंड वाला देखिए क्या है, 100.1101 बेस 2। इसको भी किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, बस क्या करेंगे, पहले हम पॉइंट वाला काम कर लेंगे, पहले जो पॉइंट के पहले वाला नंबर है पहले उस पर हम वर्क कर लेंगे। ये क्या करेंगे, 0 इंटू 2 की पावर, मतलब 0 इंटू 2 पहले ऐसे कर लेते हैं, 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। यहाँ पे चल रहा हमने क्या, 0 की पावर 2 की पावर 0 कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 प्लस। अब क्या करेंगे, यहाँ वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। अब जो यहाँ वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, वो कैसे करेंगे, यहाँ से, वो कहाँ से चलेंगे हम, वो हम कहाँ से चलेंगे, कहाँ, ये आपका चलेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मूव करेंगे हम इसको, किससे, यहाँ से मूव करेंगे, ये चलता है राइट टू लेफ्ट चलेंगे और इसको हम कैसे चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो कैसे चलेगा, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, और 0 के बाद यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद कैसी, यहाँ पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट्स हैं वो कैसी जाएंगी, 0 के बाद क्या आता है, 0 के पहले अगर नंबर लाइन बनाते हैं तो ये 0 होता है, या 1, ये 2, ये 3, और यहाँ से मूव करेंगे तो -1 -2 -3 होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 0 के बाद क्या बनेगा, 0 के बाद क्या बनेगा, -1 बनेगा। तो 0 के बाद 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 और 2 की पावर -4। ठीक, अब सॉल्व करो, 1 इंटू 2 की पावर 4 कितना हुआ, 4, 0 किसी चीज़ की 0, फिर यहाँ पे 0, फिर 0, फिर ये कितना हो जाएगा, 1 बाई 2, इसको कितना लिखेंगे, 2 टू 4, 1 बाई 4। ये किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाई 16 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ये कितना बन जाएगा, 4 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 16, तो ये हो जाएगा 2, 2 टू 4, 2 बाई 4, 2 बाई 4 और ये हो गया 3 बाई 4 प्लस 1 बाई 16। ठीक है, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई पूरा प्लस किया, 4 प्लस 3 बाई 4, 4 जा 16 और 4 3 जा 12 और 12 और 1 13 बटे 16,
कितना हो जाएगा, अराउंड 13/16। तो इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे 16 से तो पॉइंट कितना आएगा, ये पॉइंट कितने टाइम्स जाएगा, 16 एट, 6 8 जो 48, 8 4 12, हाँ 0.8 टाइम्स कुछ जाएगा। तो कितना हमारा आंसर आएगा, लगभग 4.81 समथिंग हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो 100.1101 जो था आपका बाइनरी, इसको किस में कन्वर्ट किया हमने, डेसिमल में। देख लिया तरीका क्या होता है, अगर पॉइंट वाले डिजिट डेसिमल नंबर हैं तो पहले राइट साइड वाले को जो पॉइंट वाला नंबर नहीं है उसको एज इट इज जैसे करते थे वो कर दिया, फिर जो राइट जो लेफ्ट राइट वाला पार्ट है जो पॉइंट के इस तरफ वाला पार्ट है उसको हम कैसे करेंगे, कैसे मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, और स्टार्टिंग फिर जीरो के बाद क्या होता है, -1 होता है, ठीक है, फिर -2 -3 -4 ये कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब हमने देखा बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट। तो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ये दोनों कंप्लीट हुआ सेशन में। नेक्स्ट सेशन जो स्टार्ट करूंगी उसमें मैं पढ़ाऊंगी डेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू डेसिमल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।